कंठ बिराजे सरस्वती, जिह्वा पर बिराजे राम, युगो युगों तक अमर रहेगा लता जी आपका नाम। लता मंगेशकर, जिन्हें स्वर कोकिला कहा गया, जिनकी आवाज कानों ने जब भी सुनी तो सीधे दिल में उतर आई, जिन्होंने जिस गीत को भी अपनी आवाज दी वो अमर हो गया, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी आवाज के दम पर वो मुकाम हासिल की जो अब तक कोई नहीं कर सकता। जी हाँ, लता मंगेशकर की शख्सियत, उनकी अजमत और उनकी महानता को शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन सा है। कुल मिलाकर लता मंगेशकर ना उनसे पहले थी और ना उसके बाद कभी होंगी। आज लता जी को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए लता जी ने जो कुर्बानियाँ दी, जो दर्द सहे, जो तकलीफें झेली, उस बारे में कोई नहीं जानता। इस वीडियो में हम आपको लता जी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। हम आपको बताएंगे कि सिर्फ 13 साल की उम्र में ही लता जी कैसे जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गई थी। अपने परिवार में छोटे भाई बहनों को पालने के लिए लता जी ने कितनी मेहनत की, लता जी को कौन मारना चाहता था और किसने उन्हें जहर दे दिया था, लता जी ने आखिर शादी क्यों नहीं की थी। लता जी से जुड़ी ऐसी ही तमाम अनसुनी, अनकही और दिलचस्प बातें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था, जगाती इंदौर। लता जी को दौलत, शोहरत, इज्जत और कामयाबी सब कुछ मिली, उनकी आवाज के करोड़ों दीवाने थे, बल्कि आज भी हैं। उन जैसा हर कोई बनना चाहता था और आज भी बनना चाहता है। एक बार की बात है, किसी ने लता जी से पूछा था कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहती हैं, तो लता जी ने जो जवाब दिया था उससे सभी चौंक गए थे। जी हाँ, इस बात का जिक्र दिग्गज लेखक, शायर और गीतकार जावेद अख्तर साहब ने एक बार किया था। उन्होंने बताया कि लता जी से एक बार किसी ने पूछा था कि आपने इतनी कामयाबी, इतनी शोहरत, इतना नाम, इतनी मोहब्बत, इतनी श्रद्धा, इतनी फॉलोइंग अपने लिए देखी है, अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे। इस पर लता जी ने हंसकर जवाब दिया, कुछ भी बन जाऊं लेकिन लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी। जावेद अख्तर आगे बोलते हैं कि लता जी का ये जवाब उन्हें बड़ा ही अजीब लगा था कि वे ऐसा क्यों कह रही हैं कि अगले जन्म में वह लता मंगेशकर नहीं बनना चाहेंगी। खैर, लेकिन इस जवाब को लेकर उन्होंने आगे कहा था कि शायद उस पल में लता जी अपने बचपन के दिनों को याद कर रही होंगी, क्योंकि हम तो वो देखते हैं जो खूबसूरत है, कामयाब है, मशहूर है, हमें वो ग्लैमर, वो मुकाम, वो बुलंदी दिखाई देती है, लेकिन उन्होंने क्या दुख झेले, कहाँ कहाँ से गुजरी, क्या क्या मुसीबतें उठाई अपने बचपन और लड़कपन के दिनों में, ये हमें कहाँ मालूम होता है और कहाँ याद रहता है। कुल मिलाकर जावेद अख्तर ने लता के उन बचपन और लड़कपन के संघर्षों को याद कर उस जवाब से खुद को संतुष्ट कर लिया था। लता जी ने अपनी जिंदगी में जो लड़ाई लड़ी है, जो संघर्ष किया है, जो दर्द उठाया है, उसे बहुत कम ही लोग जानते हैं। लता मंगेशकर पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शिवंती की बड़ी बेटी थी। वो अपने 5 भाई बहनों मीना, आशा, उषा और एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर में सबसे बड़ी थी। लता जी के पिता एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि माँ गुजराती थी। शिवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिनके निधन के बाद लता जी के पिता ने नर्मदा की छोटी बहन शिवंती से शादी की थी। लता बचपन से ही थोड़ी चंचल लड़की थी। उनके पिता दूसरों को संगीत की विद्या तो सिखाते थे, पर लता अपने चंचल स्वभाव की वजह से एक जगह बैठती नहीं थी और ना ही संगीत सीखती थी। लेकिन जिस घराने में वो पैदा हुई और जिस माहौल में उनकी परवरिश हो रही थी, वो ना सीखते हुए भी बहुत कुछ सीख चुकी थी।
क्योंकि वहाँ की हवाओं में तैरती संगीत की आवाज उनके कानों में हमेशा जाती रहती थी। एक बार की बात है, लता जी के पिता अपने किसी छात्र को संगीत सिखा रहे थे। वो किसी काम से बाहर चले गए थे। वो छात्र अकेले में रियाज कर रहा था। लता जी वहीं आसपास खेल रही थी, तब उनकी उम्र 7 या 8 साल होगी। उस छात्र को रियाज करता देख लता जी अंदर गईं और उससे कहा कि जो वो सुर लगा रहे हैं उनके पिता ने वैसा नहीं बताया था। यहां तक कि लता जी ने उसे खुद गाकर भी सुनाया। लता जी को सुनने के बाद वो छात्र तो हैरान था ही, लेकिन जैसे ही लता जी पीछे मुड़ी तो उन्होंने अपने पिता को पीछे खड़ा देखा, जो बहुत ही ताज्जुब के साथ साथ शफकत और मोहब्बत की नजरों से उन्हें देख रहे थे। तब उनके पिता को भी ये एहसास हो गया था कि उनके घर में एक बहुत ही कीमती हीरा है, जो अब तक उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। खैर, लता जी का परिवार अब तक आर्थिक रूप से काफी खुशहाल था, लेकिन इस खुशहाली ने करवट तब ली जब उनके पिता ने 3 मराठी फिल्में बनाई, लेकिन वह नहीं चली। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी बलवंत संगीत मंडल, जो कि बंद कर दी थी, उन्होंने फिर से शुरू की, लेकिन वो भी कंपनी नहीं चल पाई। आखिरकार 1941 में उन्होंने सांगली में, जहां उनका बड़ा घर था, उसे बेच दिया था और पूरे परिवार के साथ पुणे माइग्रेट हो गए। पुणे आने के बाद पंडित दीनानाथ की तबीयत भी खराब रहने लगी, परिवार की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। लता जी की अब उम्र 11 से 12 साल के आसपास थी और परिवार की आर्थिक मदद के लिए लता जी को कभी कभी कंसर्ट में गाने को मौका मिल जाता था और उसमें जो पैसे मिलते थे उसे परिवार और भाई बहनों का पेट भरता था और जैसे तैसे परिवार का गुजारा हो रहा था। इसी बीच एक दिन ऐसा आया जब लता जी के सिर से उनके पिता का हाथ भी उठ गया। वो साल 1943 का था जब उनके पिता दीनानाथ जी का निधन हो गया। अब लता जी की उम्र 14 साल थी और उनके पिता के चले जाने के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब उनके ऊपर आ गई। ये वो दौर था जब प्लेबैक सिंगिंग ज्यादा चलन में नहीं था। उन्हें छोटे मोटे रोल तो मिल रहे थे, लेकिन कुछ बात बन नहीं पा रही थी। जावेद अख्तर कहते हैं कि एक बार लता जी ने उन्हें बताया था कि मुझे बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि मैं एक्टिंग करना चाहती थी, लेकिन जब मुझे ये काम करना पड़ता था और कोई मुझे ये कहता था कि तुम्हारी आईब्रो ऐसी होनी चाहिए, कोई बाल संवारने के लिए बालों को खींचता था, तब मुझे ऐसा लगता कि मैं ह्यूमिलेट हो रही हूँ और मैं घर आकर रोती थी, लेकिन मुझे तो अपनी माँ और छोटे भाई बहनों को संभालना था, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे काम करना पड़ता था। लता जी की उम्र अब भी महज 14 साल ही थी। खैर, 1943 में लता जी को पहली बार हिंदी गाना गाने का मौका मिला। उस गाने के बोल थे, हिंदुस्तान वालों अब तो मुझे पहचानो। खैर, हिंदुस्तान ने क्या, पूरी दुनिया ने उन्हें पहचाना, लेकिन ये पहचान बनाने के लिए लता जी ने जो मेहनत, मशक्कत और कुर्बानी दी, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब वो साल था 1945 का। मंगेशकर का पूरा परिवार मास्टर विनायक के साथ पुणे छोड़ के मुंबई आ गया। मास्टर विनायक मशहूर फिल्म एक्टर नंदा जी के पिता थे। मुंबई आने के बाद नाना चौक में मंगेशकर परिवार एक छोटे से घर में रहने लगा और लता जी भी हमेशा की तरह काम के लिए इधर उधर भटकती रहती थी। उन्हें छोटे मोटे काम मिल जाते थे। एक दिन की बात है, उनकी मुलाकात मास्टर गुलाम हैदर से हुई। उन दिनों फिल्मिस्तान में एक फिल्म बन रही थी। मास्टर गुलाम हैदर लता जी को वहां लेकर गए और उन्होंने बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर एस मुखर्जी से उनकी मुलाकात कराई और उनकी गायकी के बारे में बताया। उन्होंने बताया, ये नई लड़की है, बहुत अच्छा गाती है, लिहाजा आप एक बार इसे चुन लीजिए और दिलीप साहब की फिल्म जो शहीद बन रही है उसमें गाने का मौका दे दीजिए। गुलाम हैदर कितना बोलने पर एस मुखर्जी ने लता की आवाज भी सुनी, लेकिन उन्हें उनकी आवाज अच्छी नहीं लगी। उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि बहुत पतली आवाज है। खैर, वहां से लता जी को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन गुलाम हैदर साहब को उन पर भरोसा था। उसी जमाने में एक और फिल्म बन रही थी, नाम था मजबूर। उसमें गुलाम साहब ने लता जी को गाने का मौका दिया और जब उनकी आवाज को लोगों ने सुना तो उन्हें कुछ अलग लगा। लता जी की आवाज ने लोगों को थोड़ा चौंकाया। लोगों को ऐसा लगा कि इस आवाज में कुछ तो बात है।
लोगों ने लता जी की आवाज को कुछ तो नोटिस किया था, लेकिन फिर भी लता जी अभी भी अपनी पहचान के लिए लड़ रही थीं। हर रोज लता मंगेशकर घर से निकलती, लोकल ट्रेन पकड़ती और मलाड तक का सफर तय करती थीं, क्योंकि उस जमाने में उधर ही सारे स्टूडियो और ऑफिस थे। लता जी हर रोज लोकल ट्रेन से घंटों सफर करके जाती थीं और फिर उसी से वापस आती थीं। लता जी ने बताया था, चूंकि स्टेशन से स्टूडियो थोड़ी दूरी पर था जहां मैं डेली जाकर रिहर्सल करती थी, सीखती थी। स्टेशन पर उतरने के बाद लोग तांगा से जाया करते थे, लेकिन मुझे तो पैसे बचाने थे, इसलिए मैं मलाड उतरकर वहां से पैदल स्टूडियो जाया करती थी। जावेद अख्तर इसी ट्रेन के सफर का जिक्र करते हुए बताते हैं, लता जी के लोकल ट्रेन में सफर के दौरान का एक हिस्सा मैंने कहीं सुना था कि एक मर्तबा वो ट्रेन में ही बैठी थीं कि उनका एक एक्टर से इंट्रोडक्शन हुआ, वो भी हर रोज लोकल ट्रेन से वहीं जाता था शूटिंग में। तो बात हुई कि ये सिंगर हैं, लता मंगेशकर नाम है इनका, अभी फिल्मों में गा रही हैं। ये सुनकर उस एक्टर ने बोला, भाई महाराष्ट्र में तो सिंगर बहुत हैं, लेकिन जब ये हिंदी उर्दू में गाते हैं मराठी सिंगर तो कहीं ना कहीं मराठी एक्सेंट आ जाता है। उस एक्टर की बात लता जी के दिल में चुभ गई। उसके बाद उन्होंने एक उर्दू टीचर रखा और फिर अपने एक्सेंट और तलफ्फुज पर काम करना शुरू किया। जावेद अख्तर आगे कहते हैं, मैं आपको दावे से बोल रहा हूं कि मैं लेखक हूं। मैंने लता जी के गाने सुने हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी उनके लफ्ज का मिस प्रोनंसिएशन मैंने नहीं सुना। जबकि ये गलतियां दूसरों से होती हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हो जाती है बड़े बड़े सिंगरों से, लेकिन लता जी से ये गलती नहीं हुई। और जिस एक्टर ने लोकल ट्रेन में लता जी से एक्सेंट को लेकर बात की थी, वो एक्टर कोई और नहीं था बल्कि इस सदी के ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार साहब थे। दिलीप साहब भी उन दिनों बिल्कुल नए थे और शूटिंग के लिए मलाड जाया करते थे, और इन दोनों दिग्गजों के बीच रिश्ता तब से था। खैर, लता जी के संघर्ष के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वे हर रोज ऐसे ही लोकल ट्रेन से सफर करके जाती और फिर उसी लोकल ट्रेन से वापस आती थी। कहते हैं कि जब आप मेहनत शिद्दत से करो तो एक दिन कामयाबी भी जरूर मिलती है। बस लता जी के कामयाबी के दिन भी करीब आ चुके थे। अब उनकी मेहनत रंग लाने वाली थी, उनकी कुर्बानी का मेहनताना मिलने वाला था। वो साल था 1949 का, जब लता जी ने नॉकआउट पंच मारा। उस गीत के बोल थे, आएगा आने वाला, और फिल्म का नाम था महल। ये गाना जैसे ही लोगों ने सुना तो धूम मच गई, लोग पागल हो गए। वो फिल्म तो अपनी जगह थी ही, लेकिन गाने की जो वाहवाही हुई अलग थी। उस जमाने में कैसेट के ऊपर सिंगर के नाम नहीं लिखे होते थे। जिस कंपनी ने ये गाना रिकॉर्ड किया था, उस कैसेट पर लता मंगेशकर का नाम नहीं लिखा था, बल्कि मधुबाला के किरदार का नाम कैसेट पर लिखा था। लेकिन लता की आवाज ने ऐसा जादू किया था कि हर कोई सिंगर का नाम जानना चाहता था। वहीं कैसेट कंपनी ने जब लोगों का पागलपन देखा तो उनकी डिमांड पर फिर से उस गाने को रिकॉर्ड कर कैसेट पर लता जी का नाम लिखना पड़ा। और बस यहीं से लता जी ने जो आगे बढ़ना शुरू किया, तो फिर उन्हें छूने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। कई दशकों तक कई सिंगर आए चले गए, कई एक्टर आए चले गए, लेकिन लता मंगेशकर ने खुद को ऐसा स्थापित किया कि उन्हें स्वर कोकिला कहा जाने लगा। वो कामयाबी की बुलंदियों को छूते चली गईं। लता मंगेशकर ने अपनी जिंदगी में साल 1974 में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, जो कि देश के लिए भी गर्व का विषय था। लता मंगेशकर भारत की पहली सिंगर बनी जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म किया था। और जानते हैं उनको स्टेज पर इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था? वो कोई और नहीं बल्कि दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार साहब थे। लता मंगेशकर और दिलीप कुमार के बीच रिश्ता उसी लोकल ट्रेन में सफर करने से शुरू हुआ था और अब लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल तक पहुंच गया था। लता जी दिलीप कुमार को राखी भेजा करती थीं और दोनों ही एक दूसरे को बहुत इज्जत करते थे। लता मंगेशकर की जिंदगी में ऐसा भी दिन आया जब उनकी जान लेने की कोशिश की गई। वो साल था 1962 का। लता को एक दिन सुबह उठते ही उन्हें पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिलने में भी दिक्कत हो रही थी। जब जांच हुआ तब पता चला कि लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की थी, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। वहीं लता जी अपनी जिम्मेदारियों में इतनी दबी थीं कि उन्हें अपनी शादी की फुर्सत तक नहीं मिली और फिर उन्होंने पूरी जिंदगी अकेले ही बिता दिया। लता मंगेशकर को उनके काम के लिए कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
उन्हें भारत सरकार ने साल 1969 में पद्म भूषण, साल 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, साल 1999 में पद्म विभूषण, साल 2001 में भारत रत्न। वहीं अगर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात की जाए तो साल 1972 में फिल्म परी के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय पुरस्कार, 1974 में फिल्म कोरा कागज के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय पुरस्कार और साल 1990 में फिल्म लेकिन के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा लता जी को कई सारे गानों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड, महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। लता जी ने हिंदी सिनेमा को अपने करियर के 50 साल से भी ज्यादा समय दिया। साल 2004 में 50 साल पूरा करने वाले फिल्म फेयर अवार्ड के अवसर पर उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वहीं वक्त के साथ साथ लता जी की उम्र भी ढलने लगी, उनकी सेहत भी थोड़ी खराब रहने लगी। उन्होंने गायकी से भी खुद को थोड़ा दूर कर लिया और फिर पूरी दुनिया में एक महामारी आई जिसका नाम कोविड-19 है। इस महामारी ने कईयों की जिंदगियां ले ली और इसी महामारी के शिकार लता जी भी हो गईं। वो साल था फरवरी 2022 का, जब कोरोना संक्रमित होने के बाद लता जी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हफ्तों तक लता जी आईसीयू में भर्ती रहीं, लेकिन 6 फरवरी 2022 को 8:12 पर 92 साल की उम्र में आखिरकार उन्होंने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो ये थी स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जिंदगी से जुड़ी कुछ झलकियां। कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड की अनकही, अनसुनी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।